हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज आज हम बात करेंगे 6.3 के क्वेश्चन नंबर 14 में जिसमें दे रखा है साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियम पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर यानी कि हमें दिखाना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर के राइट तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा वी कंसिडर टू ट्राइंगल्स हमने दो ट्राइंगल्स कंसिडर किए ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर ठीक है और उसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी क्योंकि हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है पी क्यू आर के सिमिलर है ठीक है तो देखेंगे कि हमने क्या करा इसको हमने कंसिडर करा ये ट्राइंगल लेने के बाद हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया यानी कि सी को प्रोड्यूस करा डी ठीक है यानी कि डी ई हमने प्रोड्यूस करके और सी से इसको ज्वाइन कर दिया ठीक है, है? राइट सेम दिस ट्राइंगल हमने क्या करा इसमें हमने बनाया इन दैट पॉइंट इज एम एम एन को प्रोड्यूस किया और देन सॉरी हमने इसको पी एम को जो था इसको एक्सटेंड कर दिया और देन इसको ज्वाइन कर दिया आर एम से ठीक है तो हमें इसको शो करना है अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बी डी इज ईक्ल टू डी सी इज ईक्कल टू हमारा कितना हो जाएगा बी सी अपॉन्ट टू क्योंकि इसका हाफ है डी इजमिट पॉइंट अगर डी मिट पॉइंट है तो ये जो बी सी को है टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इफ इट इज डिवाइडिंग इन टू टू पार्ट्स टू पार्ट्स में अगर डिवाइड करेगा तो बी सी इज ईक्ल टू हमारा कितना हो जाएगा बी डी इज ईक्कल टू डी सी यानी कि जो बी डी होगा वो डी सी के इक्वल होगा एंड बी सी अपॉइंट टू के बराबर होगा ठीक है अब नेक्स्ट सेम इन दिस ट्राइंगल इसी प्रकार के ट्रा में भी हमारा क्या हो जाएगा क्यू एम इज ईक्कल टू हमारा क्या होगा एम आर होगा और इक्वल टू होगा क्यू आर अपॉइंट टू के ठीक है अब देखिए इसमें हमें जो गिवन है वो देखेंगे कि इसमें गिवन क्या क्या दे रखा है ठीक है तो देखिए गिवन क्या है डी इज द मीडियन ए डी जो वो है मीडियन है डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी एम इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड अगर हमारे ये दोनों ट्राइंगल की जो मीडियन है तो इसके अकॉर्डिंग और क्या दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम के इक्वली दे रखा है ठीक है अब देखिए हमें इसको प्रूफ क्या करना है टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर ये हमें इसको प्रूफ करना है ठीक है तो देखिए कैसे करेंगे प्रूफ इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या करा लेट हमने क्या करा था प्रोड्यूस किया था एडी को प्रोड्यूस किया था हमने एडी को प्रोड्यूस करने के बाद किस पे टिल पॉइंट ई तक ठीक है तो so वही हमें लिखना पड़ेगा जो कंस्ट्रक्शन में किया लेट टू पॉइंट दैट ए डी इज इक्वल टू बी एंड एंड पीड्यूज पी एम सेम इन नेक्स्ट एंगल अनुगल में क्या कर रहा था पी एम को पॉइंट पी तक पी एम टू पॉइंट एन दैन सच दैट पी एम इज इक्वल टू एम एन यानी कि जो हमारा पी एन होगा वो एम एन के इक्वल होगा मीडियन है उसके बाद हमने क्या करा ज्वाइन ई सी एंड एन आर उसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया ई सी एंड एन आर को ठीक है नाउ अकॉर्डिंग टू हमें गिवन क्या दे रखा है इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी ए इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम राइट ये हमें गिवन है ठीक है अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी ए अब इसको नेक्स्ट देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं ए डी अपॉन पी एम को हम क्या लिख सकते हैं ये देखेंगे देखिए हम इसको टू ए डी अपॉन टू पी एम लिख सकते हैं टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर तो हमने इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है अब देखिए ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए डी अब देखिए ट्वाइस ऑफ ए डी को हम क्या लिखेंगे देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी ए इसको हम लिख सकते हैं ए डी प्लस ए डी लिख सकते हैं इसको ए डी प्लस ए डी और सेम इसी प्रकार पी एम को हम लिख सकते हैं पी एम प्लस पी एम च्वाइस ऑफ पी एम ई हो जाएगा ठीक है अब क्या हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू तो एज ई डीड ऐसी रहेगा ए सी अपॉन पी ए अब देखिए इसमें कितना हो जाएगा ए डी तो हमारा प्लस रहेगा ए डी में अगर हम ए डी जो इक्वल है इधर देखिएगा ए हमारी मीडियम दे रखी थी ट्राइंगल की डी इज़ अ मिड पॉइंट ये मिड पॉइंट है तो ए डी और जो डी होगा इक्वल होगा ना ए डी और डी जो है वो इक्वल होगा ठीक है तो हमने जो ए डी प्लस ए डी दे रखा था उसमें हम क्या करेंगे ए डी तो एक AD हमारा ही रहेगा ए डी प्लस नेक्स्ट हमारा डी अगर हम ए डी प्लस डी ई करेंगे तब भी हमारा ए ई आएगा ठीक है तो हम वही करें क्योंकि ए डी इज इक्वल टू डी अगर हमारा ए डी डी ई की इक्वल है तो ए डी की जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं डी से ठीक है तो वही हम करेंगे इसमें तो देखिएगा हमने क्या करा ए डी प्लस ए डी तो हमने ए डी ऐसी रखा रहने दिया इसको और ए डी की जगह हमने इसको कर दिया डी ई ठीक है और ये सेम इस प्रकार यहाँ पर पी एम है तो पी एम को पी एम है और पी एन को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सॉरी हाँ ये पी एम था तो पी एम को हमने एम एल लिख दिया ठीक है उसके बाद देखिए हमारा क्या हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन पी ए अगर हम इसको ऐड करेंगे ए डी प्लस डी ई को तो हमारा हो जाएगा ए ई और सेम अगर हम पी एम प्लस एम एन को ऐड करेंगे तो हो जाएगा पी एन ठीक है तो हमारा कितना हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको लेट कर लिया ठीक है अब नाउ वी आर टेकिंग इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ई सी डी में ठीक है इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ई सी डी में हम बात करेंगे तो देखेंगे कितना हो जाएगा ए डी अपॉन ई डी हो जाएगा ठीक है ए डी अपॉन ई डी कैसे होगा ये देखेंगे बाय सी पी सी सॉरी बाय कंस्ट्रक्शन अभी हमने कंस्ट्रक्शन जो किया है अभी दिखाती हूँ मैं बाय कंस्ट्रक्शन ठीक है देखिएगा हमने ये कंस्ट्रक्शन किया था इसको कंस्ट्रक्ट किया ए डी अपॉन डी ई डी इज अम इट ना तो हमारा ए डी जो होगा वो डी ई के इक्वल होगा होगा तो वही हमने लिखा है बाय कंस्ट्रक्शन से नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है डी बी इज इक्वल टू सी डी हमारे इक्वल होंगे सॉरी गिवन थे इसके अंदर ठीक है नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एंगल फाइव इज ईक्कल टू एंगल सिक्स होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल अभी देखते हैं एंगल फाइव और एंगल सिक्स हमने इसको कंसिडर किया था ठीक है देखिए एंगल फाइव एंड एंगल फोर दोनों क्या है एक्स फॉर्म कर रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल फाइव ये वाला एंड एंगल फोर ये वाला ठीक है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे देन हमारा क्या हो जाएगा ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू ट्राइंगल ईडीसी ठीक है बाय एस एस सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग बाय एस एस रूल ठीक है यानी कि साइड एंगल साइड के रूल के अकॉर्डिंग हमारे जो ट्राइंगल होंगे ए डी बी इज इक्वल टू ट्राइंगल ईडीसी अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारा क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ईसी बाय सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेन ट्राइंगल ठीक है सिंस हमारा क्या हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू एन आर हो जाएगा ठीक है अब देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमने फर्स्ट से क्या किया था ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन ठीक है कितना हो जाएगा ई सी अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन ठीक है नाउ वी आर डिस्कसिंग इन ट्राइंगल ए ई सी एन ट्राइंगल पी एन आर में ठीक है इन दोनों ट्राइंगल मिलेंगे तो देखिए एसी सी अपॉन कितना हो जाएगा ए सी अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हमने प्रूफ डैबा ऊपर हमने प्रूव किया हुआ है ठीक है ऊपर देखिएगा क्या कर रहा है प्रूफ डेबा अब देखिए ट्राइंगल ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर ठीक है कैसे बाय एस एस सिमिलरिटी टाइंगल ठीक है क्राइटेरियन उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा एंगल वन इज इक्ल टू एंगल टू सेकंड इक्वेशन हो गई सिमिलरली हमारा जब एंगल वन इज इकल टू एंगल टू है तो हमारा कितना हो जाएगा एंगल थ्री इज इकल टू एंगल फोर भी हो जाएगा ठीक है हमारी इक्वेशन कितनी हो गई सेकेंड ठीक है अब देखिए हमने क्या करा एंगल एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू तो एंगल टू प्लस एंगल फोर राइट तो अगर हम एंगल वन प्लस एंगल थ्री को ऐड करेंगे तो देखेंगे इधर एंगल वन इधर देखिएगा एंगल वन प्लस एंगल थ्री को ऐड करेंगे तो एंगल ए हो जाएगा सेम इसी प्रकार ये हमारा कितना था टू था एंड ये फोर था ठीक है तो हमारा कितना इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा एंगल पी हो जाएगा ठीक है तो वही हम देखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी ठीक है अब देखिए इन ट्रा एंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में हम बात कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर ठीक है कैसे हमारे ये गिवन था क्या था गिवन दे रखा है ठीक है अब देखिए कितना हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है तो देखिएगा क्या हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर हैंज प्रूफ ठीक है यही हमें प्रूव करना था आई होप समझ में आया होगा एक बार आप क्वेश्चन ठीक से देखेंगे तो समझ में क्लियर हो जाएगा ठीक है